Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to share with you the recipe of mushroom soup. So let's get started. इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करके हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच बटर. फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो रखना है. सबसे पहले बटर को हम मेल्ट होने देंगे. सूप का जो टेस्ट है बटर में ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बटर यूज़ किया है. जैसे ही बटर पिघल जाएगा इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ लहसुन और हरी मिर्च. इसे हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे. फ्लेम अभी भी लो ही रखें आप. जैसे ये थोड़ा पक जाएगा उसमें हम डालेंगे प्याज, जिसे बहुत ही बारीक मैंने काटा है. और ज़्यादा प्याज हम यूज़ नहीं करेंगे, एक मीडियम साइज़ के अनियन का आधा ही मैंने यूज़ किया है. इसे भी हम थोड़ी देर पका लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे मशरूम. ये बटन मशरूम है. मशरूम को सबसे पहले अच्छे से पानी से धो ले और साफ़ कपड़े से पोंछ ले, उसके बाद ऐसे ही बारीक काट लें. मशरूम बहुत ही जल्दी पक जाता है और इसमें से बहुत सारा पानी रिलीज़ होने लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं. मीडियम फ्लेम में हमें मशरूम को तब तक पकाना है जब तक कि जो सारा पानी है वो सूख नहीं जाता. और इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में, जैसे कि मैंने बोला ये ऑलमोस्ट हो गया है. इसे और थोड़ी देर पकाएंगे. और ये आप देख सकते हैं पूरा पानी सूख गया है और इसका जो कलर है मशरूम का वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है. इस स्टेज में आप गैस ऑफ कर दें और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लें. ठंडा होने के बाद इसे हम एक ब्लेंडर जार में निकालेंगे ब्लेंड करने के लिए. इसे आप 2 तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ. मैंने सारा मशरूम निकाल लिया है और इसका एक कोर्सली पेस्ट मैं तैयार करूँगी इस तरह से. या फिर आप चाहें तो इसमें पानी डाल के इसका एक महीन पेस्ट तैयार कर सकते हैं और उसे फिर छलनी से छान लें, अगर आपको बहुत ही महीन सूप खाना है तो. इसके बाद ये जो पेस्ट है इसे हम कढ़ाई में डालेंगे. इसमें डालेंगे हम पानी. इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये आपके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, ज़्यादा गाढ़ा पसंद है या फिर थिन पसंद है, जैसे आपको पसंद है आप रख सकते हैं. मैंने अभी तक गैस ऑन नहीं किया है. सबसे पहले इसे हम मिक्स कर लेंगे. ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पानी और डालते हैं इसमें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं पहले. और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं अभी ये और गाढ़ी होगी क्योंकि इसे हम पकाएंगे अभी. और इसमें डालेंगे हम 2 छोटे चम्मच फ्रेश क्रीम. इसे भी मिक्स कर लेते हैं. जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम गैस ऑन करके इसे पकाएंगे. गैस का फ्लेम मीडियम रखना है हमें. और ये अभी थोड़ी देर इसे बस बॉईल करेंगे और ये तैयार हो जाएगा. मशरूम हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, ये कैलोरीज को कट करता है, विटामिन बी भी बहुत ज़्यादा होता है. और इसमें हमने नमक अभी डालना है और इसके बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर. ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स नहीं चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए. और ये जो मशरूम है ये हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है. इसमें मैंने फ्रेश क्रीम ये ऐड किया है, आप चाहे तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं. और ये बस तैयार हो जाएगी कुछ ही मिनटों में. ये मशरूम का सूप अभी तैयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ. बस इसमें अभी हम एक और चीज़ डालेंगे, वो है धनिया पत्ता, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है. ये सूप आप डिनर में भी खा सकते हैं, काफ़ी हैवी होता है, मतलब इसको खाने के बाद आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी, तो ये एक डिनर ऑप्शन भी है आपके लिए. इसे सर्व करते हैं. पैकेट वाला जो सूप आता है वो हेल्दी तो होता ही नहीं है और उससे कहीं ज़्यादा टेस्ट में ही अच्छा है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.